प्यारे बच्चों, JCERT द्वारा अर्थशास्त्र विषय का 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। उन सभी का वीडियो मैंने बना रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज हम लोग ग्रुप ए का, मतलब इकोनॉमिक्स ग्रुप ए का सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से आपको सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन का पढ़ना है। सिलेबस में दिया हुआ है आपका, उससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मॉडल सेट में भी उससे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसी में एक टॉपिक है आपका संभाव्य विभर्म, जिसको हम लोग प्रोबेबल एरर, और एक और है परमाव विभर्म, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। उसके बारे में जानेंगे कि अगर इस पर आपको मैथ आ जाए, सवाल आ जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा और उसका जो थ्योरी है वो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आशय: संभाव्य विभर्म कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता निर्धारण का एक पुराना माप है। संभाव्य विभर्म वह राशि है जिसे औसत सहसंबंध गुणांक में जोड़ने एवं घटाने पर ऐसी राशियां प्राप्त होती है जिनके बीच दैव आधार पर चुनी हुई श्रेणी का सहसंबंध गुणांक के पाए जाने की समान संभावनाएं होती है। प्रोफेसर कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता की जांच पड़ताल करने के लिए संभाव्य विभर्म का उपयोग किया जाता है। संभाव्य विभर्म का प्रयोग निदर्शन संबंधी त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। परिभाषा: सुप्रसिद्ध विद्वान होरेस सेक्राइट ने संभाव्य विभर्म को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक का संभावित विभर्म वह राशि है जिसे यदि माध्य सहसंबंध गुणक में जोड़ दिया जाए एवं घटा दिया जाए तब इस प्रकार की राशियां प्राप्त हो जाती है जिनके अंतर्गत दैव निर्देश के द्वारा चुनी गई किसी पदमाला का सहसंबंध गुणक विद्यमान होने की समान संभावनाएं होती है। यदि सहसंबंध को हम लोग R से डिनोट करते हैं, का मूल्य संभाव विभर्म मतलब प्रोबेबल एरर को हम लोग PE से डिनोट करेंगे, के 6 गुने से अधिक हो, अर्थात R ग्रेटर देन 6 गुना संभाव विभर्म, तो सहसंबंध सार्थक माना जाएगा। कहने मतलब है जो आपका सहसंबंध कार्ल पियर्सन का आपको सहसंबंध निकालना रहेगा और उससे आपको संभाव विभर्म ज्ञात करना रहेगा, तो अगर जो आपका सहसंबंध का आंसर आया है वो अधिक होगा संभाव विभर्म से, तो आपका जो संबंध होगा वो सार्थक माना जाएगा। और यदि वह R मतलब सहसंबंध अगर छोटा होगा 6 गुना संभाव विभर्म से, तो यह माना जाएगा कि यह सब संबंध का मूल्य सार्थक नहीं है। संभाव विभर्म की परिगणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। तो ये बच्चों सूत्र है, इसको बढ़िया से देख लेना है। PE मतलब हो गया संभाव विभर्म ऑफ R मतलब प्रॉब्लम एरर ऑफ R, R मतलब कोरिलेशन बराबर 0.6745, और फिर यहाँ से बट्टा खींच देंगे 1-R² बट्टा √N। यहाँ 0.6745 के जगह 2/3 भी आप लिख सकते हैं। अब इस सूत्र में कोण क्या है, तो यहाँ पर PE क्या है, संभाव्य विभर्म है मतलब प्रोबेबल एरर है। R है जो सहसंबंध गुणक को बताता है मतलब कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन को। N जो है वो पदों की संख्या को बताएगा, और 0.6745 है या एक अचल संख्या है मतलब कांस्टेंट है। तो परिगणन क्रिया को सरल बनाने के लिए आप 0.6745 के स्थान पर 2/3 का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इस पर जैसे सवाल कैसा आ सकता है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए हैं, सवाल है यदि सहसंबंध गुणांक 0.8 है मतलब R का मान कितना है 0.8, तथा पद युग्मों की संख्या 100 हो। पद युग्मों की संख्या क्या हुआ बच्चों, तो नंबर ऑफ आइटम मतलब N बराबर कितना हो गया 100। तो संभाव्य विभर्म ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ देखिए बनाए हम, तो यहाँ देख सकते हैं R बराबर कितना है 0.8, यहाँ पर आपको बोला है सहसंबंध गुणांक कितना है 0.8। उसके बाद है N बराबर 100 माने, तो यहाँ पर है आपको पद युग्मों की संख्या कितनी है 100 है, तो यहाँ 100 हो गया N। अब प्रोबेबल एरर ऑफ R बराबर होगा 0.6745, ये फार्मूला है बच्चों ये पूरा, तो 1-R² / √N। अब इस फार्मूला में बैठा देंगे
तो पी ई ऑफ आर बराबर 0.6745 बट्टा 1 का 1 लिख दिए माइनस आर का स्क्वायर है और आर मेरा यहाँ कितना दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं 0.8 दिया हुआ है तो यहाँ बैठा देंगे बच्चों 0.8। अब आर का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया बट्टा एन है मेरा 100 तो रूट के अंदर 100 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों प्रॉब्लम एरर ऑफ आर बराबर 0.6745। अब क्या है कि 0.8 मतलब 0.8 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बच्चों 8864 मतलब 0.64 हो जाएगा आपका। अब 0.64 को 1 माइनस 0.64 कर देंगे। अब यहाँ जब आप घटा दीजिएगा 1 में 0.64 को तो आपका बच जाएगा 10 में से 4 गया तो बच गया 6 बच्चों और यहाँ 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा और ये तो इसको दे दिया था 5 इसलिए यहाँ 0 बच जाएगा तो इसीलिए आपका क्या बच गया 0.36। और 100 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो 10 आएगा तो यहाँ 10 हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे इसको इससे भागा लगाकर इससे गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 0.024। और भी अंक आएगा लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक ही लिए हैं तो ये आपका प्रॉब्लम एरर आ गया है। अतः सहसंबंध गुणांक को निम्न प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। कैसे प्रस्तुत करेंगे बच्चों तो लिखेंगे आर बराबर 0.80। 0.80 कहाँ से आया तो 0.8 आ गया कि यहाँ पर आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में सहसंबंध गुणांक कितना है 0.8। तो यहाँ पर चूंकि आपका आंसर में यहाँ 3 अंक को लिए हैं इसलिए यहाँ पर हम 0.80 को लगा दिए प्लस माइनस फिर हो जाएगा 0.024 जो आपका प्रॉब्लम एरर आया है। तो अर्थात जो प्लस में मान रहेगा बच्चों वो अधिकतम सीमा को बताएगा जिसको हम लोग L2 बोलते हैं और माइनस साइन जो यहाँ पर देख रहे हैं वो न्यूनतम सीमा को मतलब L1 को बताता है। तो अधिकतम सीमा बराबर हो जाएगा आपका L2 बराबर 0.80 फिर यहाँ प्लस 0.024 बराबर अब ये दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो इतना आ जाएगा 0.824 आ जाएगा। उसी तरह न्यूनतम सीमा हमको निकालेंगे तो क्या होगा L1 बराबर यहाँ पर केवल माइनस लग जाएगा बीच में और 0.80 को इसमें हम लोग क्या करते हैं घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या हुआ इसका ये दोनों का अर्थ क्या हुआ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य निर्देश के लेने पर सहसंबंध गुणांक अधिकतम आपका 0.824 और न्यूनतम 0.776 सीमाओं के मध्य में होने की संभावना होती है। मतलब अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच में या इसी के अंदर होने की संभावना होगी किसका सहसंबंध गुणांक की। इसीलिए यहाँ अधिकतम सीमा मतलब आपका ये अधिकतम सीमा यहाँ निकला है और न्यूनतम सीमा जो बोल रहा है ये L1 जो निकला वो न्यूनतम सीमा के मध्य ही होने की संभावना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यदि सहसंबंध गुणांक 0.7 हो तथा कुल पदों की संख्या 16 हो तो सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जाँच करिए। आप देखिए ये क्वेश्चन जो था इसमें क्या था कि संभाव विभर्म ज्ञात करने बोल रहा था जो हम लोगों ने ज्ञात कर दिया संभाव विभर्म मतलब प्रॉब्लम एरर को हम लोग ज्ञात किए हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपको इस क्वेश्चन में सार्थकता पूछ रहा है कि सार्थकता की जांच कीजिए तो उसको हम लोग कैसे जांच करेंगे तो बनेगा बच्चों सेम तरीका से आर बराबर 0.7 का है कि सहसंबंध गुणांक मेरा 0.7 है यहाँ दिया हुआ लिख दिए पदों की संख्या 16 है तो n 16 हो गया प्रॉब्लम एरर ऑफ 0.6745 ये फॉर्मूला हम बैठा देंगे r की जगह क्या बैठाएंगे 0.7 का स्क्वायर कर दिए और n मेरा है 16 तो रूट ओवर 16। अब यहाँ पर 0.7 गुणे 0.7 कीजिएगा और उसको 1 में माइनस कर दीजिएगा तो 0.51 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। इसको इसमें भागा लगा के इससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा बच्चों। अब क्या है अब यदि इसको याद रखना है कि चूंकि यहाँ R का मान 0.7 है ठीक है तो ये 0.7 जो दिया हुआ है जो सहसंबंध गुणांक का मान जो है जो मतलब सहसंबंध मेरा निकला है वो यदि अधिक होगा 6 गुना 0.086 से जो मतलब आपका संभाव विभर्म जो निकला है प्रॉब्लम एरर जो आपका आया है उसका 6 गुना से यदि जो सहसंबंध का मान दिया हुआ है वो अधिक रहेगा तो सहसंबंध सार्थक कहलाएगा और यदि ऋणात्मक रहेगा ये मतलब 0.7 लेस देन अगर हो जाता है 6 गुना जो आपका प्रॉब्लम एरर आएगा उससे तो सहसंबंध की सार्थकता नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 0.7 अधिक है किससे
6 × 0.086 है, तो 6 से इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.54 कुछ आएगा, तो 54 आया बच्चों, मतलब 0.54, तो अब बड़ा कौन हो जाएगा, 0.7 बड़ा है कि 0.54, तो जाहिर सा बात है 0.7 क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब जो सहसंबंध है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो यह सहसंबंध सार्थक होगा। अब संभावना विभर्म का उपयोग क्या है, तो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक की विश्वसनीयता की जांच पड़ताल करने के लिए संभाव्य विभर्म का उपयोग किया जाता है। संभाव्य विभर्म का प्रयोग निर्दर्श संबंधी त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि निर्दर्श लेते समय कुछ त्रुटियां हो जाती है, कभी कभी अनुसंधान का क्षेत्र एवं आकार विशाल होता है, अतः निर्दर्श कम मात्रा में ही लिया जाता है, इस कारण परिणाम विशुद्ध विश्वसनीय नहीं होते हैं। सांख्यिकी शास्त्रियों का विचार है कि संभाव्य विभर्म के द्वारा इन त्रुटियों से निष्कर्ष पर होने वाले प्रभावों की निश्चित सीमाएं मालूम हो जाती है। अब संभाव्य विभर्म के कार्य, तो इसके दो कार्य निम्नलिखित है बच्चों, तो सीमाओं का निर्धारण, संभाव्य विभर्म सहसंबंध गुणक की उच्च सीमाओं एवं निम्न सीमाओं को निश्चित रूप से निर्धारित करता है। सहसंबंध गुणक इन उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंदर ही कहीं होता है, मतलब इसी के बीच में इसका मान कहीं आएगा। सहसंबंध गुणक की निर्वाचन, तो संभाव्य विभर्म के द्वारा सहसंबंध गुणक का निर्वाचन किया जाता है, मतलब चुनाव किया जाता है। सहसंबंध गुणक का निर्वाचन निम्न प्रकार किया जाता है, कैसे, तो पहला, यदि किसी प्रश्न में पदमालाओं का सहसंबंध गुणक आर अपने संभाव्य विभर्म मतलब प्रॉब्लम एरर पीई से कम है, तब दोनों पदमालाओं में सहसंबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है या मानना चाहिए। मतलब आर लेस देन अगर हो जाता है प्रॉब्लम एरर से, मतलब 0.647 और जो आपका सूत्र था 1 − r² √n, इससे क्या हो जाता है, अगर कम हो जाता है तो यह क्या मानना होगा, तो संबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं होगा, यह मान लेना होगा। दूसरा है, यदि किसी प्रश्न में पदमालाओं का सहसंबंध गुणांक r अपनी संभावित विभर्म PE के 6 गुना अधिक है, तो इन दोनों पदमालाओं में सहसंबंध निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है, यदि किसी पदमाला का संभाव्य विभर्म अपेक्षा से कम है या बहुत कम है और उन पदमालाओं का सहसंबंध गुणक संभाव्य विभर्म से भी कम है, तब उन दोनों पदमालाओं में सहसंबंध गुणक होते हुए भी वह महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। चौथा, यदि संभाव्य विभर्म बहुत कम है एवं दोनों पदमालाओं का सहसंबंध गुणक मतलब आर 0.511 से अधिक है, तब पदमालाओं का सहसंबंध गुणक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। फिर है, यदि किसी पदमाला का संभाव्य विभर्म बहुत कम है और इन दोनों पदमालाओं का सहसंबंध गुणक आर 0.751 से अधिक है, तो सहसंबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। छठा है, यदि दो पदमालाओं का सहसंबंध गुणक आर बराबर 0.411 से अधिक है और वह 0.599 तक है, तब सहसंबंध दोनों पदमालाओं का साधारण माना जाएगा। और यदि दो पदमालाओं का सहसंबंध गुणांक R बराबर 0.249 या इससे कम है, तो इन पदमालाओं का सहसंबंध अत्यंत महत्वहीन माना जाएगा। यदि किन्हीं पदमालाओं का सहसंबंध गुणांक 0.3 से कम और संभावित विभवन तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हो, तो उन दोनों पदमालाओं में सहसंबंध होते हुए भी यह महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यदि किन्हीं दो पदमालाओं का सहसंबंध गुणांक R बराबर 0.911 या इससे अधिक है, तब इन दोनों पदमालाओं का सहसंबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, यदि आप लोग बोलेंगे कॉमेंट करते हैं कि सर परमाप विभर्म या स्टैंडर्ड एरर को भी बता दीजिए, तब मैं फिर इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, न तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने कंप्लीट इसका करा दिया है, केवल आपका परमाप विभर्म मतलब परमाप विभर्म छूट गया है। आप लोग चाहें तो कमेंट में बोलिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, बाय बाय।